देखिए, ये आज अरुई का पत्ता है। ये है अरुई का पत्ता। आज हम इस अरुई के पत्ते का कचरी, चावल दाल और अरुई के पत्ते का कचरी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसका प्रोसेस यही है, इसको हम अच्छे से धो लिए हैं। और यहाँ पर जो ये रीड होता है, ये रीड काट के थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, ठीक, ताकि ये मोड़ने में अच्छा रहेगा, ठीक ना। ये सब का हम हटा लिए हैं। देखिए इस तरह से ये छांट करके, ये जो है ये हम इसको हटा लिए हैं, सारे का हम हटा लिए हैं। इस तरह से सारा हटा लिए हैं। अब इसको हम तैयार करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं बेसन 100 ग्राम बेसन है, और ये लहसुन और मिर्ची का मसाला है, और ये हल्दी है, और ये नमक है, स्वाद के अनुसार नमक देना है। और ये सबको मिला करके पानी से गीला कर देना है और तैयार कर लेना है मसाला, और फिर इसमें लगाना है। देखिए किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं इसको। ये थाली को पलट दे रहे हैं, और इस तरह से इसको इस तरह से रख ले रहे हैं, और इसको मिला करके पेस्ट तैयार कर लिए हैं पानी मिला करके। देखिए ये देखिए, इसको इस तरह से हम बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। अब ये तैयार हो गया है अच्छे से। अब इसको हमको इस पर लगाना है। देखिए इसको इस तरह से इसमें लगा देते हैं, सारे पत्ते में इस तरह से। देखिए इस पर फिर दूसरा पत्ता डाल रहे हैं, दूसरा पत्ता फिर इस पर डाल दिए हैं। फिर इस पर इस तरह से बारी बारी से इस पर लगाते जाएंगे, सारा पत्ता सट जाएगा। फिर इस पे एक पत्ता डाल लें। इसी तरह से हम सारे पत्ते को सिमट देंगे लगा करके। देखिए फिर हम इस पर एक पत्ते डाल रहे हैं। देखिए ये पत्ता डाल दिए फिर से। फिर इस पे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको अच्छे से लगा देते हैं। इसी तरह से सेंक दिए हम। अब इसको सेंकने के बाद इसको इस तरह से हम मोड़ देते हैं बगल से, साइड से, ताकि इसका जो सामान है वो निकले नहीं, बेसन मसाला नमक ये निकले नहीं बॉईल करने के बाद। देखिए दोनों तरफ से इसको इस तरह से मोड़ दिए हैं। अब इसको इस तरह से मोड़ दे रहे हैं। इसी तरह से हाथ के सहारे से इसको हम मोड़ते जा रहे हैं, दाब करके, ताकि ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ रहे हैं। देखिए अच्छे से ही मुड़ा करके तैयार हो गया है। अब इसको हम धागा के सहारा से इसको बांध लेंगे। देखिए अब ये धागा है, इस धागा के सहारे से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ताकि यह खुले नहीं, ठीक। बाद में फिर इस धागा को उबालने के बाद इस धागा को हम निकाल लेंगे, आराम से यह निकल जाएगा। अब इसी तरह से हम तैयार कर लिए हैं, तैयार हो गया है मेरा। अब इसको हम पानी में उबालेंगे। देखिए ये कढ़ाई है। अब ये कढ़ाई में हम इस दोनों को इस तरह से डाल दें। अब इसमें हम एक गिलास ये पानी है, ये पानी इसमें डाल देते हैं, और इसको अच्छे से हम ढक देंगे। ये अब इसको सब सेट कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से ढक देते हैं। बस 2 मिनट के बाद ये बॉयल हो जाएगा, फिर उतार लेंगे। देखिए अब ये उबाल आ गया है, उफन गया है पूरा पानी। अब इसको इस तरफ से हो गया है। अब इसको फिर से पलट देते हैं ऐसे। देखिए अब ये अच्छे से उबल गया है। अब इसको निकाल ले रहे हैं। देखिए ये अच्छे से हो गया, तैयार हो गया है। अब इसको निकाल ले रहे हैं।
देखिए इस तरह से निकाल लिए, इसको भी निकाल लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए अभी अच्छे से उबल के तैयार हो गया है। अब इसमें हम धागा जो लगाए थे, जो कि नहीं निकलेगा इसका सामान मसाला वसाला, इसीलिए इसको बांध दिए थे। अब इस धागे को हम अच्छे से निकाल लिए। देखिए ये धागा हम इसको निकाल लिए हैं, इससे भी हम निकाल ले रहे हैं। ये धागा आसानी से निकल जाता है। ठीक, देखिए ये धागा अच्छे से निकल गया, ये धागा निकल गया। अब इसको हम अच्छे से काट करके पीस बना ले रहे हैं। इस तरह से इसको काट करके हम देखिए काट लिए, ये पीस बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह से सारे को हम काट लेंगे। देखिए ये कट के तैयार हो गया है। देखिए अब इसमें तेल रख दे रहे हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम छान लेंगे उसको। काट करके हम तैयार कर लिए हैं, पूरा पीस बन गया है। अब इसको हम, तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसको कढ़ाई में रख के छानेंगे। इस तरह से रख देंगे। आराम आराम से इसको इस तरह से पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ अच्छे से सीज जाए। देखिए बहुत आराम से इस तरह से। देखिए ये अब बन के तैयार हो गया है, सीज गया है, अच्छे से लाल हो गया है। अब इसको बारी बारी से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अब सारा खाना बन के तैयार हो गया है। अब खाना निकल गया है, अब हम लोग खाएंगे। आप लोग भी आइए, खाइए, देखिए कैसा लग रहा है।